गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगठर में। और जैसा कि हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आपके सिलेबस की आपकी किताब से संबंधित कहानियाँ, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी और समाजशास्त्र की भी, यानी कि इतिहास से संबंधित भी हम आपको कहानियाँ समझाते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम आपको लेकर आए हैं क्लास सेकेंड की इंग्लिश की बहुत ही सुंदर कहानी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक स्वार्थी, जो एक तरह से हॉर्स है, घोड़ा है, एक तरह से आलसी घोड़ा कह सकते हैं, स्वार्थी कह सकते हैं, उस घोड़े ने इस कहानी में गधे की प्रार्थना को न सुनकर बाद में कितना बड़ा इसको काम करना पड़ा, कितना पछताना पड़ा। अगर काश उसकी सहायता कर देता, उसकी बात मान लेता, तो उसको बाद में इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो प्यारे बच्चे, कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरह से अगर कोई हमें मदद के लिए कह रहा है, कोई अपनी सहायता करने के लिए हमसे प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसकी अवश्य मदद कर देनी चाहिए। जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, जैसे भी वो अपने हमारी जिस तरह की हेल्प चाहता है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और यही हमें सिखाया जाता है क्या स्कूल में, क्या घर में, या समाज में, कि मनुष्य हैं तो मनुष्य बनकर जिए, यानी कि मनुष्य होकर भी अब मनुष्य के काम ना आए या किसी भी जीव के काम ना आए तो मनुष्य होना बेकार है। क्योंकि जो भावना होती है, संवेदना होती है, वो किस में होती है? मनुष्य में होती है। और आजकल तो देखा जाता है कि मनुष्य से ज़्यादा संवेदना, मनुष्य से ज़्यादा समझदारी पशुओं में दिखाई देती है। कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूलते जा रहे हैं, और यही वजह है कि वो उत्थान से पतन की ओर गिरते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को इसलिए पढ़ाया जाता है, बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है विद्यालय में या किसी भी संस्थान में, कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा कुछ समझदारी सीखेगा, कुछ इसके अंदर ज्ञान आएगा, पढ़ना लिखना सीखेगा, कैसे बोला जाता है, कैसे बात की जाती है, ये सब सीखेगा। इसलिए आपके जो माता पिता हैं वो विद्यालय में बच्चे को भेजते हैं। तो हमें आपसे अपेक्षाएँ, उम्मीदें हैं कि आप उनकी उम्मीदों पर, उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए क्लास सेकेंड की इंग्लिश की बुक लेसन नंबर 13, और जिसका नाम है द सेल्फिश हॉर्स, जिसका मतलब होता है स्वार्थी घोड़ा। इसमें एक घोड़ा और गधे की कहानी है। तो गधा बेचारा कमज़ोर होता है, एक व्यापारी है, उसके पास घड़ा गधा और घोड़ा दो पशु हैं। वो दोनों को बाजार ले जाता है, वहाँ से सामान खरीद के लाता है, उन पर लाद के लाता है। एक बार क्या होता है कि गधा जो है वो कमज़ोर है, तो बेचारा घोड़े से कहता है, बोले भैया आप थोड़ी मेरी मदद कर दो, मेरा सामान थोड़ा आधा ले लो, मुझे दिक्कत हो रही है और मैं दबा जा रहा हूँ, जिससे मुझे हेल्प हो जाएगी, मैं आराम से घर तक ये आधा सामान ले चलूँगा। लेकिन घोड़ा उसकी बात नहीं सुनता है, अपनी तमंग कह सकते ना, अपने घमंड में चूर रहता है। और जब घोड़ा बेचारा थक कर हार कर गिर जाता है, तो जो मालिक होता है वो सारा की सारा सामान घोड़े पर लाद देता है। गधा तो आधे को कह रहा था, लेकिन अब उसको सारा सामान लादना पड़ा और घर तक उसको ले जाना पड़ा। अब घोड़े के बात समझ में आई कि काश मैं इसकी प्रार्थना सुन लेता, काश मैं इसकी मदद कर देता, तो इतना ज़्यादा बोझा मुझे लादना नहीं पड़ता। अब उसके पास अकल आई कि काश मैं इसको पहले ही समझ जाता इसकी बात के लिए, तो मुझे इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए हमें भी समस्या अगर पहले से ही है, उसको समझ जाना चाहिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये कहानी हमें सिखाती है। चलिए अब पढ़ते हैं ये कहानी किताब से। चलिए दोस्तों, देखिए अभी हम बता रहे थे आपको कक्षा 2 की सेल्फिश हॉर्स की कहानी कि एक तरह से स्वार्थी, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, कहीं ना कहीं उसको पछतावा होना होता है, कहीं ना कहीं उसको पछताना पड़ता है। क्योंकि जो लोग स्वार्थी होते हैं ना, अपने मतलब में चूर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी धोखा मिल जाता है, बाद में पछताना पड़ता है। तो वही इस कहानी में बताया गया, अभी हम बता रहे थे आपके लिए इससे पहले। चलिए अब पढ़ा देते हैं आपको ये कहानी इंग्लिश में। बहुत ही सुंदर कहानी है, इंग्लिश का नाम है, किताब का नाम है आदित्य सीरीज की इंग्लिश रीडर, कक्षा 2 की किताब है ये, और बहुत ही ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो प्यारे बच्चे, जैसे हम बताते हैं कि किसी भी भाषा को ज़्यादा समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, उसको अच्छे से अपने जहन में बिठाने के लिए, उसका जो शब्दकोश है, उसके मीनिंग्स हैं, वो हमें ज़्यादा ज़्यादा जब पता होंगे, तब हमें वो भाषा आराम से समझ में आएगी और हम दूसरों को समझा पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में थोड़े से इसके मीनिंग्स हैं वो पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं मीनिंग्स। तो बच्चों देखो, पहला वर्ड मीनिंग है, पहला वर्ड फार्मर, आपने पढ़ा होगा FARMER, फार्मर माने होता है किसान। ये लिखा देखो फार्मर हिंदी में इसका मतलब होता है किसान। फिर बच्चों मार्केट, MARKET, मार्केट लिखा है हिंदी में, इसका मतलब है बाजार। सबने पढ़ा होगा, ये सिंपल वर्ड है बिल्कुल। ब्रॉड,
देखो ब्रॉड ये बाइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है भाई, मैंने खरीदना। और ये ब्रॉड लिखा है बच्चों, इसमें गलत लिखा है, इसमें आर नहीं आएगा। ब्रॉड मैंने तो लाया, लाने की है ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। ब्रॉड मैंने खरीदना, BOUGST ब्रॉड, तो ब्रॉड लिखा है, ब्रॉड नहीं, ये ब्रॉड गलत लगा है, हम ब्रॉड पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं राग के लिए, इसमें इसे चंद्र लगा देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखेंगे, ब्रॉड माने होता है खरीदना, ये बाइक के सेकंड फॉर्म बहुत मैंने खरीदना, खरीदा। फिर लिखा है सेवरल, SEVERAL, सेवरल माने होता है अनेक, यानी कि बहुत सारे, कई, मैंने माने कई, सेवरल माने भी कई होते हैं। फिर लिखा है बास्केट्स, BASKETS, बास्केट्स माने होती हैं टोकरियाँ, आपने टोकरी देखी, टोकरी माने वही आप देखो पल्ला या ढल्ला वगैरह इस तरह का, उसको टोकरी बोलते हैं। फिर वीक लिखा है WEAK, वीक, वीक माने कमज़ोर, जो बहुत कमज़ोर होता है उस वीक होते हैं, इस चैप्टर में जो गधा है वो कमज़ोर है बेचारा। फिर लिखा है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड REQUEST, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है आग्रह किया, प्रार्थना की, निवेदन किया, है ना, जैसे देहाती में कहते हैं नहोरे किए, नहोरे, है ना, वो भी है इसका मतलब। फिर लिखा है बच्चों रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिफ्यूज्ड माने होता है मना कर दिया, देखो मना किया लिखा हुआ है। फिर टायर्ड, यहाँ पर रा लगेगा, टायर्ड माने होता है थका हुआ या थक गया। फिर कैरी माने होता है ले जाना। फिर लिखा है बच्चों बर्डन, BURDEN, बर्डन माने होता है बोझा या बोझ, जो वजन होता है लगता है वो, उसका बोझ बर्डन बोलते हैं। फिर लिखा है रियलाइज्ड, REALIZED, रियलाइज माने होता है अनुभव किया, महसूस किया, एहसास किया, बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। तो ये तो है बच्चों मीनिंग, हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और थोड़ा होमवर्क अभी समझ लीजिए आप लोग, आपको ये मीनिंग से याद करके और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं, और आपको ये बताना कि आपको ये पक्के याद होगा, इनका मीनिंग आपको पता है। जैसे हम अगले कोई ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केवल आपको मीनिंग आपसे पूछेंगे वीडियो के माध्यम से, और आपको एक तरह से देखा जाएगा कि ऑनलाइन वीडियो देंगे जिससे आपसे हम ये सारे मीनिंग्स पूछेंगे, और आपको उसमें ऑनलाइन में जो कमेंट बॉक्स आते हैं एक तरह से चैटिंग के माध्यम से आपको ये सारे बताने हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है, लेसन नंबर 13, और चैप्टर का नाम है द सेल्फिश हॉर्स। सेल्फिश माने होता है स्वार्थी, हॉर्स माने घोड़ा, यानी कि स्वार्थी घोड़ा। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि ये व्यापारी है, ये गधा है और ये घोड़ा है। अब ये बेचारा कमज़ोर है, ये बहुत तगड़ा है, लेकिन ये लेकिन स्वार्थी है, बहुत चालाक है, ये इसकी मदद नहीं करता है, तो इसको बाद में पछताना पड़ता है। किस तरह से देखिए कहानी को पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है अ फार्मर हैड अ हॉर्स एंड अ डंकी। अ फार्मर एक किसान हैड मैन रखता था, या पास था, हैड का प्रयोग करते हैं पास था या रखता था के लिए। अ हॉर्स एक घोड़ा, एंड माने और डंकी माने गधा, यानी फार्मर के किसान के पास एक गधा और एक घोड़ा था। ही वेंट टू द मार्केट विद देम, ही वेंट वो जाता था, ही माने वह वेंट माने गया या जाता था, टू द मार्केट माने बाजार विद देम उनको लेकर है उनके साथ बाजार गया। ही ब्रॉट सेवरल थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, ही माने वह ब्रॉट माने लाया, सेवरल माने कई या अनेक, थिंग्स माने चीज़ें वस्तुएँ, फ्रॉम माने से दी मार्केट में बाजार, बाजार से कई चीज़ें लेकर आया। ही पुट दैम इन बास्केट्स, ही माने उसने पुट रख लिया दैम, उन्होंने इन वस्तुओं को किस में रख लिया, बास्केट्स में, टोकरी में उसने रख लिया सारी चीज़ों को, सारे सामान को। ही पुट दी बास्केट्स ऑन दी बैक ऑफ बोथ द एनिमल्स, ही उसने पुट माने रखा दी बास्केट टोकरियों को, ऑन दी बैक माने पीठ पर, ऑफ माने की, बोथ माने दोनों एनिमल्स माने जानवर। उस किसान ने, जो चित्र में किसान है, उस किसान ने जो टोकरियाँ थीं सामान से लदी हुई वो उन दोनों जानवरों की पीठ पर लाद दी, यानी कि रख दी। द डंकी वाज वीक, द डंकी माने गधा, वाज माने था, वीक माने कमज़ोर। जैसे मैंने बताया था गधा कमज़ोर था, तो गधा बेचारा कमज़ोर था। वन डे ही कुड नॉट कैरी द लोड, वन डे मीन्स एक दिन, ही माने वह कुड नॉट कैरी नहीं ले जा सका, नहीं कुड मान सका, नॉट मान नहीं, कहीं मान ले जाना, नहीं ले जा सका। द लोड माने होता है बोझा, वही वजन जिसको वो लदा हुआ था वो नहीं ले जा सका। ही रिक्वेस्टेड द हॉर्स, ही माने उसने गधे ने रिक्वेस्ट माने आग्रह किया, प्रार्थना की, द हॉर्स माने गधे से उसने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि डियर फ्रेंड, भैया प्यारे दोस्त, डियर माने प्रिय, फ्रेंड माने दोस्त, प्रिय मित्र, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ माने कृपया, हेल्प माने हेल्प कर दो, मदद कर दो, ही माने मेरी। गधे ने घोड़े से कहा भैया दद्दा, प्रिय दोस्त, जरा मेरी मदद कर दो, प्लीज़ टेक हाफ ऑफ माई बास्केट्स,
प्लीज माने कृपया टेक वहाँ ले लो, हाफ माने आधी ऑफ माई बास्केट मेरी टोकरियों। उसने कहा कृपया तुम मेरी आधी टोकरियाँ अपने ऊपर लाद लो, मैं बहुत परेशान हूँ। बट दी हॉर्स रिफ्यूज टू हेल्प हिम। जैसे कि बताया गया जो घोड़ा था कैसा था, सेल्फिश था, स्वार्थी था, इसलिए बट माने लेकिन दी हॉर्स माने घोड़े ने रिफ्यूज माने मना कर दिया टू हेल्प माने मैं मदद करने से हिम माने इसकी, लेकिन घोड़े ने और गधे की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बोले भैया ला दो अपना अपना सामान ले चलो भाई, हम नहीं करेंगे भैया तुम्हारा, अपना अपना ले जाओ। ऐसे करके घोड़े ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, सून द डंकी बिकेम वेरी टायर्ड। सून माने जल्दी ही द डंकी माने गधा, बिकेम वेरी टायर्ड। बिकेम वेरी टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। गधा जो था थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा थक गया। ही फेल डाउन, ही माने वह फेल डाउन माने गिर जाना, वह नीचे गिर गया। फैल गिर गया, डाउन माने नीचे, वह नीचे गिर गया। दी फार्मर डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। दी फार्मर माने किसान ने, डिड नॉट वेस्ट माने व्यर्थ नहीं किया, बर्बाद नहीं किया इस टाइम अपना समय। किसान ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। ही टुक अवे दी बास्केट्स फ्रॉम दी डंकीज बैग। ही माने उसने टुक अवे माने उतार लिया, ले ली दी बास्केट्स माने टोकरियाँ, फ्रॉम माने से डंकी माने डंके की बैग माने पीठ से। उन्हें डंकी की यानी गधे की पीठ पर से तुरंत टोकरियाँ उतार ली, ले ली। ही पुट ऑल दी बास्केट्स ऑन दी हॉर्सेज बैग। ही माने उसने पुट माने रख दी ऑल दी बास्केट्स माने ऑल माने सभी बास्केट्स माने टोकरियाँ ऑन माने पर दी हॉर्स माने घोड़े की बैक माने पीठ। उन्हें घोड़े के पीठ पर सारी टोकरियाँ लाद दी। अब घोड़े को दिमाग चकराया, बोले यार इसे बढ़िया तो मैं गधे की बात मान लेता, कम से कम आधी लादनी पड़े तो सब मुझे लादनी पड़ रही हैं। द हॉर्स हैड टू कैरी द होल बर्डन अलोन। द हॉर्स माने घोड़े को हैड टू कैरी माने ले जाना पड़ा, द होल माने पूरा, बर्डन माने बोझा, अलोन माने अकेले। अब घोड़े को पूरा के पूरा जो वजन था अकेले ही ले जाना पड़ा, ढोना पड़ा। देन ही रियलाइज्ड, देन माने तब ही माने उसे रियलाइज माने एहसास हुआ, तब उसे महसूस हुआ दैट माने कि इट इज़ बेटर टू लिसन टू वंस रिक्वेस्ट। इट इज़ बेटर, बेहतर होता है टू लिसन माने सुनना, टू वंस माने किसी की रिक्वेस्ट माने प्रार्थना को। अब उसे एहसास हुआ कि किसी के आग्रह को सुनना इससे ज़्यादा बढ़िया था, ये ज़्यादा अच्छा था कि वह गधे की बात मान लेता तो मुझे इतना वजन ढोला नहीं पड़ता। बेचारे की पीठ लचर लचर आ जाती है ना, जैसे कि देखो कैसे कर रहा है पैरों। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये जो सेल्फिश हॉर्स की जो कहानी अभी पढ़ाई गई आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आप घर पर जाकर इसको खूब जो आपके पास बुक है उनको पढ़ेंगे और बोल बोल को पढ़ेंगे अपने माता पिता के साथ में या उनके सामने, अपने बड़े भाई बहन उनके सामने। कोई वर्ड नहीं आता तो उनसे पूछ लीजिएगा, अगर आपको वो नहीं बता पाते तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, सर इसको क्या पढ़ते हैं, सर इसका मीनिंग क्या है। हम आपको वीडियोस के माध्यम से उस कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे और आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ इस वीडियो में। और एक बार फिर हम आपसे कहना चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा कीजिएगा। और वीडियो कैसे लगी, आपको हमारे साथ कैसा लगा, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमारा और उत्साह बढ़े, हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देने का प्रयास करें। चलिए बने रहिए इसके साथ, खुश रहिए, आनंद में रहिए और मज़े से पढ़ते रहिएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा, अपनी आदतों को सुधारते रहिए, जैसे कि आज हमने बताई कई वीडियोज़ में। अगली वीडियोज़ तक जय हिंद, नमस्कार।